दोस्तों, मैं अंजू मारा, एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये मैं थालपोस में गुलाब बनाई हूँ, जो बहुत ही छोटा सा गुलाब है। इसे मैं आज बताना सिखाऊंगी किस तरह से बनाया जाता है। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना, किस तरह से बनाएंगे। ये टूपलाई का ऊन से बनाया गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना, किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें इस तरह से नॉट लगाएंगे, उसके बाद से इस तरह से एक नॉट लगा देंगे। अब हम चैन लेंगे, एक दो तीन, देखिए दो चैन है, तीन चार पाँच और ये छः चैन लेने के बाद यहाँ पे लास्ट वाली चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे, एक दो तीन चार, और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन, और यहाँ पे एक छोटा डबल क्रोशिया ही रहेगा, लेकिन छोटा रहेगा। उसके बाद से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए, एक चैन लिए हैं, एक दो तीन चार पाँच, और ये सिंगल क्रोशिया लेके छः होता है। और फिर यहाँ पे एक दो तीन, और ये देखिए चार, और ये छोटा होगा पांच। अब हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर एक दो तीन चार, और यहाँ पे छोटा लेंगे, उसके बाद सिंगल क्रोशिया ऐसे। ये देखिए हो गया तीन फली का। अब हम यहाँ पे चैन लेंगे, एक दो तीन चार, और ये देखिए इसके पीछे ये जो बीच वाला है, इसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये बहुत ही खूबसूरत गुलाब बनेगा। उसके बाद फिर एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे इसके पीछे से आपको चैन लेना है और सिंगल क्रोशिया भी बनाना है। तो देखिए दो हो गया, एक दो तीन चार। ये देखिए, ये हमने पूरा चारों तरफ से कंप्लीट किया है, और ये पूरा चार जाली हुआ है, और ये पांचवा जाली बनाने हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें हम ये जो पहला है, इसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद देखिए, एक दो तीन चैन लेंगे, और फिर इसी में ये डबल क्रोशिया। तो ये तीन चैन और ये डबल क्रोशिया दो हो गया, और ये देखिए तीन चार पाँच और ये छः। उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे सातवें नंबर पे, फिर इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनेगा, फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, और ये यहाँ पे छः। उसके बाद ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सातवें नंबर पे। इस तरह से करके ये पूरी रो कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं आगे किस तरह से बनाना है। ये बहुत ही बेहतरीन गुलाब बन के आएगा।
आप एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से अटैच करके इस तरह से, और ये गुलाब यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो हम अगले वीडियो में बड़ा गुलाब बना के आपको दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों, आप मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका आपको कैसा लगा, ये आप ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को विजिट करें। मेरी थोड़ा बहुत लेट के बाद ये वीडियो आया है तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि हर बार मेरा वीडियो आपको डेली डेली अपलोड करूं, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो सकता है। आपको चाहे तो ये सुई से इसे अटैच कर सकते हैं या क्रोशिये से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे तो देखिए इस थालपोश में ये गुलाब कितना खूबसूरत लग रहा है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए।